पिछले एक हफ्ते तो सोशल मीडिया के उपर एक खबर की चारे पासे चर्चा हो रही है कि लंडन के एक हाई क्लास जाने के अमीर इलाके दे विचो एक कार चोरी होंगी है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। ये बेंटले कंपनी की कार सी, बेंटले मसलेन। लंडन के विच कार के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो उत्थे काफ़ी ज़्यादा इस लभण की कोशिश भी की जाती है तो बहुत ज़्यादा लभण तो बाद भी लंडन के विच कार की कोई उग सुग नहीं मिलती तो फिर इस कार के ट्रैकिंग सिस्टम चेक किया जाता है जिहड़ा कि किस्मत दे नाल चल रहा होंदा है। जो पुलिस को यह कार की लोकेशन मिलती है तो इस देख के सारे जने हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह कार लंडन के चोरी हुई होंगी है तो यह कार की लोकेशन लंडन तो 6000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की दिसदी है। पाकिस्तान के कार की भाल शुरू होंगी है तो 2 सितंबर वाले दिन पाकिस्तान की पुलिस कराची के एक बंगले के उपर रेड करती है जिथों एक करोड़ों की कार उन्होंने मिल जाती है। हम सवाल यह उठता है कि इन्नी महंगी कार लंडन तो चोरी होने बाद उतों 6000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पहुंच गई। हम तुम्हें दसांगे इस मास्टर माइंड चोरी की पूरी कहानी। सो जुड़े रहो मेरे नाम, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो चोर टीवी। असल में जो लंडन के कार चोरी होंगी है तो उतों की जांच एजेंसियां जो इसका पता लगाने लिए इसकी लोकेशन देख दिया हैं तो उन्होंने पता लगता है कि यह कार की लोकेशन पाकिस्तान के है। उस तो बाद लंडन दी एजेंसियां यह कार की सही लोकेशन का पता करदियां ने उसकी जानकारी पाकिस्तान के कस्टम विभाग को दिंदियां ने ते लंडन दी एजेंसियां पाकिस्तान के कस्टम विभाग को दसदियां ने कि लंडन तो चोरी हुई है करोड़ों की कार पाकिस्तान के कराची शहर के एक अमीर जाने के पौश इलाके खड़ी है। इस तों बाद पाकिस्तान के कस्टम विभाग वालों कराची के बंगले की तलाशी ली जाती है जिथे उन्होंने कार खड़ी मिल जाती है। यह कार का नंबर बदल चुका होता है पर यह कार का जो चासी नंबर होता है वह यूके की अथॉरिटी वालों दिए गए चासी नंबर के नाल बिल्कुल मैच कर जाता है। पाकिस्तानी अखबार की डॉन के मुताबिक जो पाकिस्तानी इस कार के मालिक तो इस कार के जरूरी दस्तावेज मंगे जाते हैं तो इस कार का पाकिस्तानी मालिक पुलिस को यह गल कहता है कि उसने जिहड़े बंदे तो यह कार ली है उसने उसके नाल वादा किया है कि वह नवंबर 2022 तक कार के सारे जरूरी दस्तावेज उसनू दे देगा। पाकिस्तान के कस्टम विभाग को यह जवाब तसली बख्श नहीं लगता इस करके वह कार के ब्रोकर और कार के मालिक के उपर FIR करके उन्होंने गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान के जिसने कार खरीदी सी उसका नाम जमील शफी सी। पाकिस्तानी पुलिस की जांच इतने ही नहीं रुकती, जो ये कार का वह पाकिस्तान के पूरा रिकॉर्ड कढ़ते हैं तो उन्होंने पता लगता है कि पाकिस्तान के कार रजिस्टर्ड है जबकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि अजिही कार जी बाहरों किसी देश तो पाकिस्तान के लिया गई हो उस कार को पाकिस्तान के रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स तो कार की सेल परमिशन लेनी जरूरी होंगी है। पाकिस्तानी कस्टम विभाग तो NOC भी लेनी जरूरी होंगी है तो यह कार को पाकिस्तान लियाते समय पाकिस्तानी कस्टम विभाग को कस्टम ड्यूटी भी देनी पैंदी है पर इस कार के मामले के अजिहा कुछ भी नहीं किया गया सी। जाने के यह कार को पाकिस्तान के रजिस्टर्ड करवाने के लिए पाकिस्तान के मोटर रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के एक्साइज विभाग से पाकिस्तान के टैक्स डिपार्टमेंट के स्टाफ का भी हथ है जिसकी जांच फिलहाल हजे पाकिस्तानी पुलिस कर रही है। हुण आपां आउने आ इह सवाल ते कि आखिर यह कार लंडन तो चोरी होकर पाकिस्तान के पहुंच किवें जाती है। जानकारी के मुताबिक यह कार को लंडन तो पाकिस्तान लियाने के लिए एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के डिप्लोमैट के डॉक्यूमेंट का सहारा लिया गया है। खबरों के मुताबिक यह डिप्लोमैट को उसकी सरकार ने वापस अपने देश बुला लिया है। पाकिस्तानी अखबार की डॉन के मुताबिक जो ये कार को पाकिस्तान के लिया गया तो इसकी कीमत पाकिस्तान 41.43 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से। इस कीमत के मुताबिक इस कार के उपर 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का टैक्स बनता है जिहड़ा कि नहीं दिता गया। जाने के चोरों ने एवें ही यह कार बेच भी दी है खरीदने वाले ने यह कार खरीद भी ली। हालांकि यह पहली बार नहीं होया जो किसी डिप्लोमैट का पाकिस्तान की खबरों के नाम आया हो। इस तो पहला भी पाकिस्तान के शराब तस्करी को लेकर एक देश के डिप्लोमैट के उपर उंगलों उठ चुकिया हैं। यह सी जी लंडन तो चोरी होकर पाकिस्तान पहुंची इस कार की दिलचस्प स्टोरी। तुहानू साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। साडे यूट्यूब के चैनल जो टीवी जरूर सबसक्राइब करना, फेसबुक के पेज जो टीवी जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।